वी थिंक कि लोग तो अच्छे होते हैं लोग तो कितना साथ देते हैं कितना इनक्रेज करते हैं जब आप कुछ नया सीखते हैं पर ये इतना भी सच नहीं है उन्होंने कहा बेटा प्रिपरेशन तो तुम बहुत अच्छी करती हो पर तुम्हारी इंग्लिश ना हिंदी जैसी लगती है उस दिन मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश क्या इतनी ज़रूरी चीज़ है किसी को आना मैं इंग्लिश समझती थी कोई बात कर रहा है तो मैं समझ पा रही हूँ मेरे दिमाग में भी थोड़ा बहुत सेंटेंस है पर मेरे मुँह से शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं इंग्लिश के अब इसको इम्प्रूव कैसे करें वैसे तो सिर्फ एक लैंग्वेज है पर एक टाइम बाद आपको अपने करियर में रियलाइज होता है कि ये हमारी सक्सेस इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस को मेजर करने का एक पैरामीटर बन गया है हेलो एवरीवन आई एम नेहा दत्ता मैं प्रोफेशन से चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और पैशन से एक स्टूडेंट मैंटोर हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल से ये नेहा दत्ता के थ्रू स्टूडेंट्स को मैंटर करती हूँ कि वो अपने कंपेटिटिव या प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स की पढ़ाई किस तरह से करें कॉन्फिडेंट कैसे रहें माइंड को कैसे मैनेज करें और साथ में अच्छे इंग्लिश कैसे बोलें तो बचपन से ही मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में थी फिफ्थ स्टैंडर्ड तक वो हिंदी मीडियम स्कूल था वहाँ बहुत सारे डिबेट कंपटीशन एलोक्यूशन कांटेस्ट होते रहते थे तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी हमेशा से मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि कैसे कुछ लोग आकर स्टेज पे एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं मैं भी वैसी बोलना चाहती थी तो मैं सारे डिबेट कॉम्पिटिशन में बहुत मेहनत करके पार्टिसिपेट करती थी बट टू माई सरप्राइज़ इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं आई एक दिन मैंने परेशान होकर अपनी मैम से पूछा कि मैम मैं इतनी मेहनत करके आके प्रिपेयर करके बोलती हूँ सब कहते हैं बहुत अच्छा है पर मैं फर्स्ट सेकेंड या थर्ड क्यों नहीं आती कभी जीतती क्यों नहीं हूँ उन्होंने कहा बेटा प्रिपरेशन तो तुम बहुत अच्छी करती हो पर तुम्हारी इंग्लिश ना हिंदी जैसी लगती है मैंने सोचा ऐसा भी होता है चलो ठीक है फिर मेरे स्कूल में एक सिक्स स्टैंडर्ड से एक इंग्लिश मीडियम सेक्शन बन गया पूरा स्कूल हिंदी मीडियम था पर वो एक सेक्शन उन्होंने स्पेसिफिक इंग्लिश मीडियम बनाया अब मैं आसपास देखती थी जब फिफ्थ तक मैं थी तो आसपास बच्चे मेरे नेबरहुड में बहुत कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे ये था कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे शायद मुझसे थोड़ा ज़्यादा ऊपर है तो मैंने भी घर पर इंसिस्ट करके खुद का रजिस्ट्रेशन इंग्लिश मीडियम सेक्शन में करवा लिया वहाँ पर तो सिक्स से एटथ तक मैंने इंग्लिश मीडियम सेक्शन में पढ़ाई करी तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बदला था बस अब तक जो मेरी हिंदी में बुक्स थी वो इंग्लिश में हो गई और मेन वाइल वो सारे कॉम्पिटिशन्स डिबेट एलोकेशन सब चलते रहे मैं मेहनत करके पार्टिसिपेट करती रही और मैं कभी फर्स्ट सेकेंड या थर्ड नहीं आई उसमें एट्थ तक वो स्कूल ख़त्म हो गया फिर मेरा एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ नाइन्थ से ट्वेल्थ तक पर वहाँ भी कोई बहुत ऐसा इंग्लिश वाला इन्वायरमेंट नहीं था और मुझे कभी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत लगी नहीं कि इंग्लिश भी सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लैंग्वेज ही तो है ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलता रहा उसके बाद ट्वेल्थ खत्म होने के बाद मैंने अपना रजिस्ट्रेशन सी ए कोर्स में करवाया अब सी ए कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहाँ आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता आप घर पर हैं आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाइए पढ़ाई करिए घर वापस आ जाइए तो कभी कॉलेज वाला इन्वायरमेंट मुझे नहीं मिला तो मुझे पता नहीं चला कि मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ शायद ऐसे ही चलता रहा मैंने फाउंडेशन क्लियर करा मैं इंटरमीडिएट में आई वहाँ आर्टिकलशिप भी मैंने अपने घर के पास ही एक सी एफ एम से जाकर कर ली तो बस मैं ऐसा सुनती थी कि जो लोग को बिग फोर में जाना होता है ना उनको इंग्लिश आनी अच्छी ज़रूरी है उनको बहुत कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी होता है पर मुझे लगा मैं कहाँ अच्छी इंग्लिश बोल पाऊँगी तो मेरे को जो फॉर्म मिल रही है वहीं पर चले जाते हैं वहीं पर काम हो जाएगा तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन वहीं घर के पास एक सी एफ एम में करवा लिया वहाँ चलता रहा उसके बाद जब फाइनल की क्लासेज हुई तो कुछ लोग जो मुझसे सीनियर थे उनकी अब वो सी ए बन चुके थे अब उनके प्लेसमेंट्स का टाइम आया तो मेरे एक फ्रेंड की रैंक आई थी वहाँ तो हमने पता करा कि उन्होंने बिग फोर में जाकर और बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में जाकर इंटरव्यूज़ दिए तो फोन पर ही पहला इंटरव्यू राउंड फ़ोन पर हुआ फ़ोन पर उनका इंटरव्यू हुआ उनसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए उन्होंने बहुत अच्छे आंसर करे बट स्टिल उनका सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हो पाया उन्होंने आकर हम सबको बताया कि हम गाज़ियाबाद से हमारा दिल्ली में सेंटर पड़ा था वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे तो मेरा सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हो पाया है मुझे लगा उस उस दिन मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश क्या इतनी ज़रूरी चीज़ है किसी को आना तो मैं बहुत इनसेर होने लगी मुझे लगा कि टेक्निकल स्किल्स में तो मुझे लगता ही है कि मैं थोड़ी कम हूँ अगर अब इंग्लिश भी पैरामीटर हो गई तो मेरा तो कुछ नहीं होने वाला अब मुझे लगा नेहा इट्स हाई टाइम यू नीड टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज तो ये है अब 2020 की बात जहाँ मैं सी फाइनल के एग्जाम्स में दे रही थी मुझे पता था अब यहाँ से पास होने के बाद प्लेसमेंट्स और आगे आप किसी कंपनी में जाओगे तो वो सब जर्नी शुरू होने वाली है तो अब भी तो नेहा इट्स हाई टाइम अपनी लैंग्वेज पे कुछ करना पड़ेगा उससे पहले तक मैं इंग्लिश समझती थी कोई बात कर रहा है तो मैं समझ पा रही हूँ मेरे दिमाग में भी थोड़ा बहुत सेंटेंस है पर मेरे मुंह से शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं इंग्लिश के तो कोई कुछ बात करता था तो अभी तक कन्वर्सेशन थी तो गूगल ट्रांसलेटर ने मुझे बहुत संभाल रखा था कोई कुछ इंग्लिश में पूछता था तो मैं जाके उसको ट्रांसलेट कर लेती थी कि इसका पूरा सेंटेंस किसी ने जो टाइप करा जैसे कि एक एग्जाम्पल है हाउ हैव यू बीन किसी ने लिखा मुझे मुझे उस टाइम नहीं पता था कि हाउ आर यू पूछ लो यार हाउ हैव यू बीन क्यों पूछना है तो किसी ने हाउ हैव यू बीन पूछा और मुझे पता नहीं था कि इसका क्या है मैं जाके वहां लिखती थी कि किसी ने की ये है मीनिंग इन हिंदी तो ट्रांसलेटर में जा जाके मैं पूरा इसे चेक करके समझ लिया क्या कहा है फिर उसका रिप्लाई भी मैं देख लेती थी कि क्या इसका रिप्लाई भी कुछ अलग तरीके से करना है शायद तो मुझे कोई पूछता था कि व्हाट्सएप कोई इस तरह से पूछते हैं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अभी पहले ट्वेंटी ट्वेंटी से पहले की इसका क्या, क्या स्पेसिफिक आंसर होता है क्योंकि वो हिंदी मीडियम जो इंग्लिश वाले स्लैंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता अगर नॉर्मल लैंग्वेज है तो तो ऐसे गूगल ट्रांसलेटर ने बहुत मुझे बचाए रखा मैं जाके चेक कर लेती थी अब अगर आपको किसी से फेस टू फेस बात करनी है अब गूगल ट्रांसलेटर आपकी मदद नहीं कर सकता है क्योंकि कोई आपके सामने खड़ा है आपसे सवाल पूछ रहे हैं आपको तुरंत जवाब देना है तो मुझे लगा ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है अब तो कुछ करना पड़ेगा लैंग्वेज का अब ट्वेंटी ट्वेंटी हो गया अब लैंग्वेज पे क्या करा जाए तो अब मैंने सोचा अब तो अपने इंग्लिश के लिए कुछ करना ही पड़ेगा तो अब दिया मैंने खुद को तीस दिन का राइटिंग चैलेंज कि तीस दिन तक लिंकड पर मैं कंसिस्टेंसली इंग्लिश लिखना शुरू करूँगी मैंने लिखना शुरू करा जो भी मेरे थॉट्स होते थे जो भी ओपिनियन जो भी एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में अब तक हुए मैंने थोड़े बहुत सेंटेंसेस बनाकर जो भी मुझे सेंटेंस लगता था कि थोड़ा डाइसी हो रहा है इसका मतलब भी कुछ बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा तो मैं जाकर ट्रांसलेटर पे जैसे कि ट्रांसलेटर मेरा साथी था ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेटर पर चेक करके सेंटेंस लिख कर पूरा पोस्ट बना देती थी नाव वी थिंक कि लोग तो अच्छे होते हैं लोग तो कितना साथ देते हैं कितना इनक्रेज करते हैं जब आप कुछ नया सीखते हैं पर ये इतना भी सच नहीं है जब मैंने लिखना शुरू करा लिंगडिन पर कुछ लोग इतने मीन होते हैं कि आकर नीचे लिखते थे पोस्ट के नीचे कि यहाँ ना ये ग्रामेटिकल एरर है आपने ना आई हैवेंट लिखा है लिखते टाइम आई हैव नॉट लिखा करो इतनी इतनी चीज़ें उनको ध्यान रखनी है और मुझे लगता था कि तुमको इतनी ही मेरी हेल्प करनी है तो प्लीज़ आके डीएम में बताओ ना कि गलती है पूरे पोस्ट में मेरी बेजती क्यों कर रहे हो और मैंने ये लिखना ही शुरू करा था, था तब और मुझे बहुत ऐसे बेजती वाली बात लगती थी कि, कि किसी ने मेरी ग्रामेटिकल एरर निकाल दी अब तो मैं लिखूंगी ही नहीं बिल्कुल अब तो बहुत हो गया पर मैंने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं अब कैसे तैसे रोध होकर ये तीस दिन का चैलेंज तो पूरा करना ही करना है तो मैं रोज़ लिखती गई लिखती गई कुछ लोग गलती निकालते गए फिर उनको कुछ दिन में समझ आ गया कि ये नहीं मानेगी लिखना तो इसने है ही तो उन्होंने फिर कितने दिन करते चार पाँच दिन लिख बीच में कभी एक आधे दिन गलती निकाल दी उनका हो गया फिर इस प्रोसेस में ग्रेजुअली मैं इम्प्रूव करती गई इम्प्रूव करती गई अब मैं तीस दिन के एंड तक पहुँच गई थी लोग अब लिंकड पर मेरी रीच भी बनने लगी कुछ कुछ लोग आकर उस पोस्ट को पढ़ने लगे अब मेरी रीच बन गई थी तो अब मैं कुछ ठीक ठाक सा लिख पाती थी अब ट्रांसलेटर की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ने लगी मुझे अब मैं लिख पा रही हूँ पर बात वही आ गई कि अब मुझे किसी के सामने जब बोलना है तो बोलने में तो मैं आज भी वही वाली नहीं आऊँ फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड वाली जब जिसको बोलने में अभी भी दिक्कत है तो मैं लिख रही थी तो फिर मैंने इसकी अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा एक कदम और आगे लेके गई अब मैंने पॉडकास्ट सुनने शुरू करे अब मैं पॉडकास्ट बहुत सारे सुनती थी अब सिर्फ सुनना ही एनफ नहीं है अब मैं लिख रही हूँ मैं सुन रही हूँ पर उसको मुझे बोलना भी ज़रूरी है तो मैंने प्रैक्टिस करी कि जो भी पॉडकास्ट में सुनती थी उसको मैं कोशिश करती थी कि पंद्रह मिनट के पॉज पॉडकास्ट को मैं पाँच सात मिनट में कैसे समराइज़ कर सकती हूँ पॉडकास्ट इज लाइक कोई कोई क्वेश्चन आंसर चल रहा है तो अगर यही क्वेश्चन कोई मुझसे पूछे तो मैं इसका क्या जवाब दूंगी तो इसी तरह से मैं प्रैक्टिस करती गई मैं खुद को रिकॉर्ड कर लेती थी कभी ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया फिर कभी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जब तक मैं फिर मैंने सबसे पहले लिखना शुरू करा फिर सुनना शुरू करा फिर बोलना शुरू करा ऑडियो रिकॉर्ड अब बात आई ट्वेंटी में अब ये तीन चार में जून जुलाई तक पहुंच गई थी मार्च से प्रैक्टिस करती करती अब मैं एक मैंने पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन करा मीन वाइल वहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई कि आपने जो भी कोई आज तक बुक पढ़ी हो आप उसे बुक रिव्यू बनाइए उसका पर बुक रिव्यू इंग्लिश में होना चाहिए अभी मैं पढ़ तो रही थी ऑडियो भी बोल रही थी अब आई वीडियो की बारी मैंने उस तीन मिनट के बुक रिव्यू को तीस रीटेक में बनाया बार बार रीटेक बार बार रीटेक मैं कभी यहाँ फंबल कर रही हूँ कभी उधर फंबल कर रही हूँ इतने सारे फंबल के बाद तीस थर्टी थ्री टेक में जाके वो वीडियो थोड़ी अच्छी बनी फिर मैं उसके बाद मैंने और ख़ुद को रिकॉर्ड करना शुरू करा अभी तक मैं लिंकडिन पर सिर्फ लिख रही थी अब मैंने उस चैलेंज को एक कदम और आगे लेके गई कि अब मुझे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो जो भी मैंने इंग्लिश सीखते टाइम सीखा था अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बॉडी लैंग्वेज किस तरह से मैं फिल ओवर्स कम यूज़ करूँ अब इन सब चीज़ों को मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लग गई ख़ुद को इस तरह से मुझे रीच मिलती गई फिर मुझे इस तरह से बहुत सारे एक मुझे जॉब ऑफर तक मिल गया कि आप आकर हमारे इंस्टीट्यूट में बिज़नेस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाइए लोगों को यही सब लर्निंग करते करते ख़ुद को इम्प्रूव करते करते मेन मेरी सी की पढ़ाई तो चली रही थी तो जुलाई ट्वेंटी वन के एग्जाम्स में अब एक साल हो चुका है मुझे सारी प्रैक्टिसेस करते करते पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते, लिखते सुनते सुनते और वीडियोस बनाते बनाते तो मेन वाइल मैं अब जुलाई ट्वेंटी वन में मेरा सीए का एग्ज़ाम हो गया मैं क्वालिफाइड चार्टड अकाउंटेंट हो गई अब तब फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा चैनल पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती थी कि वो अपनी पढ़ाई किस तरह से करें फिर मुझे और ज़्यादा क्वेरीज आने लगी तो बच्चे सब यही जो मेरी क्वेरी थी जो मुझे एक टाइम पर लगा था जो मेरे लिए अलार्मिंग सिचुएशन था कि बकअप नेहा ब्रो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ लग रही थी कि मैम हम इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें अगर हमारा इंटरव्यू हुआ तो क्या उसमें इंग्लिश बोलना ज़रूरी है क्या हम हिंदी में जवाब दे सकते हैं तो जुलाई ट्वेंटी वन में जुलाई ट्वेंटी वन एग्ज़ाम का रिजल्ट आया सितंबर में मैं सीए बनी अक्टूबर में मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू था अब मुझसे वहाँ क्वेश्चन पूछे गए तो इस टाइम तक मैं कॉन्फिडेंट हो चुकी थी कि इंग्लिश में किस तरह से बात करी जाती है क्योंकि एक साल मेरी लर्निंग को हो चुका था मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी फिर मुझे लगा कि जब बच्चों ने पूछा कि मैम इंटरव्यू में इंग्लिश बोलना ज़रूरी है क्या तो हाँ ज़रूरी है हमें लगता है कि शायद कंपनी हमारे साथ जाती कर रही है हमें जज कर रही है हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो पर बात ऐसी नहीं है ऐसा है कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं वहाँ बहुत सारे मैं जिस कंपनी में थी वहाँ बहुत अलग अलग रीजन से लोग आए हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ तो वहाँ सब लोगों को हिंदी में बात करना आता हो तो एक भाषा जो हम सबको जोड़ के रखती है वो है इंग्लिश इसीलिए इंग्लिश ज़रूरी है अब इसको इम्प्रूव कैसे करें अब मैंने चैनल के थ्रू लोगों को बताना शुरू करा और जब मुझे क्वेश्चंस आते थे तो मैं इंडिविजुअली भी सबको गाइड करती थी तो मैंने एक प्लानर दिया कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को तो सबसे पहली बात इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के समझ गए हो गया काम ऐसा नहीं है इट इन्वॉल्व्स द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस आपको सबसे पहले जैसे कि मैंने लिखना शुरू करा आप लिखना शुरू कर सकते हैं पर आप, आप अपना दिन कैसा चाहते हैं सुबह इससे शुरुआत करिए कि आप अपना दिन किस तरह से चाहते हैं कि ये जाए या एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा दिन कैसा गया कल आप क्या करने वाले हैं थोड़ा डिटेल करके आप एक डायरी मेंटेन करके उसमें लिखना शुरू कर सकते हैं ये दो तरह से आपकी मदद करेगा एक तो आपका प्लानिंग इम्प्रूव होगी कि आप पूरा दिन किस तरह से आप चाहते हैं जाए आप प्लान कर रहे हैं टू डू लिस्ट बना रहे हैं और साथ ही आप सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कोई ग्रामेटिकल एरर हो भी गया तो कोई रैंडम लिंकडिन वाला इंसान आकर उसको जज नहीं करने वाला तो आप लिख सकते हैं साथ में आप पढ़ सकते हैं तो जब मैंने बताया कि अब आप पढ़ने से शुरू करिए फिर मेरे पास आने लगे बहुत सारे सवाल कि मैम क्या पढ़ें अब जाके किताबें खरीदने जाएँ क्या तो ऐसा नहीं है आप पढ़ना शुरू करिए जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो कोई भी आपका इंटरेस्ट का एरिया हो वो टैक्सेशन हो सकता है फाइनेंस हो सकता है फैशन हो सकता है बॉलीवुड हो सकता है स्पोर्ट्स हो सकता है वो कुछ भी हो आपके पास फ़ोन है इंटरनेट है तो बस अपने पसंदीदा ब्लॉग को पढ़ना शुरू करिए अब आपने लिखना शुरू कर दिया पढ़ना शुरू कर दिया अब आपने उस पूरे ब्लॉग को पढ़ा उसको कुछ मिनट में दो तीन मिनट में समराइज़ करके ख़ुद को ऑडियो रिकॉर्ड करें कि आपने उस चीज़ से क्या समझा अब फिर ये आपकी दो तरह से मदद करेगा एक तो आप इंग्लिश में सारा समराइज़ कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है और दूसरी चीज़ आप कैसे सारा कुछ पढ़ के उसको समराइज़ कैसे करते हैं आपकी वो स्किल भी साथ साथ इम्प्रूव हो रही है तो खुद को ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू करें अब ऑडियो रिकॉर्ड अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ दिन में दस दिन भी ऑडियो रिकॉर्ड करके अगर आप सही फ्लुएंसी से रिकॉर्ड कर पा रहे हैं और रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान रखें अगर आप तीन मिनट स्ट्रेच में लग रहा है नहीं भी बोल पा रहे तब भी कोशिश करिए कि बिना स्टॉप या पॉज दबाए तीन मिनट आपको लगातार बोलना है इसे आप ग्रेजुअली इम्प्रूव खुद को पाएंगे कि मैं ग्रेजुअली इम्प्रूव कर पा रही हूँ बोल पा रही हूँ स्ट्रेच में तीन से चार मिनट तक अब ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद अब आप ख़ुद को वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आई नो कि आपने यूट्यूब चैनल थोड़ी बनाना है रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है पर वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन पता चलते हैं मानिए आप इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल रहे हैं और शक्ल से आप इतने डरे हुए नज़र आ रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा आपको किसी से सामने बात करनी है तो आपको अपनी फ्लुएंसी के साथ कॉन्फिडेंट दिखना भी है वीडियो रिकॉर्ड आपको हेल्प करता है ये देखने में कि आप इंग्लिश बोलते टाइम रुक रहे हैं शक्ल से डरे हुए लग रहे हैं हैंड जैशेज़ कैसे हैं कहीं ऐसे करके पूरी इंग्लिश तो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि दिमाग में आप सोच रहे हैं सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसीलिए आपको वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है तो हो गया अब आप आपका लिखना हो गया पढ़ना हो गया बोलना हो गया खुद को वीडियो रिकॉर्ड करना हो गया अब ये सब तो ठीक है अब ये सब चल रहा था हम अकेले में कर रहे थे अब वही बात है कि आपको किसी के सामने जाके बात करनी है तो अब आप खुद को किसी तरह के क्लब में या किसी कम्युनिटी में खुद को रजिस्टर करवाएं जहां आप इन पर्सन लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि अकेले कमरे में शीशे के सामने बोलना कैमरे के सामने बोलना या फिर जाकर रियल इंसानों से बात करना इस सब में फ़र्क होता है जब मैंने पहली बार जाकर किसी स्टेज पर बोला था मैं बोल रही थी और पैर काँप रहे थे मेरे मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और जब मैंने पहली बार वर्चुअली किसी मीटिंग में जाकर बोला था तो मेरे हाथ पैर फ्रीज़ हो चुके थे मेरा गला चोक हो चुका था मेरे फेस पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी क्योंकि मेरा ध्यान यही था कि अब मैं बोल रही हूँ यहाँ ग्रामेटिकल एरर करानी और वहाँ मैं जज हुई तो इसलिए आपको पहले से ही खुद को इस सब इन्वायरमेंट में डालने की ज़रूरत है कि आप लोगों से जाके किस तरह से बात करें इंग्लिश में तो अब जब मैंने बोला कि आप ये लिखिए पढ़िए सुनिए बोलिए तो अब सवाल आया मैम हम कॉन्फिडेंट कैसे लगेंगे कॉन्फिडेंट लगने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है हमें लगता है कि किसी ने हमें कुछ सिखा दिया तो वो कोई गोली दे दी हमने खाई सोए सुबह उठे तो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता इंग्लिश सीखना या कोई लैंग्वेज सीखना या कोई स्किल सीखना ये सब कुछ एक प्रोसेस होता है आपको प्रोसेस से प्यार करना ही पड़ेगा वरना आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे तो इसलिए अगर आप बिल्कुल शुरू भी कर रहे हैं बिगिनर लेवल पर भी हैं तो आप कुछ पढ़ना शुरू करिए लिखना बोलना बात करना सुनना सब तरफ से वार करिए किसी चीज पे और आप उसमें बहुत बेहतर हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे दोस्तों आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा तो नोटिस किया जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है वो क्या है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश जोशिकल्स ऐप के साथ यहाँ पे हमें डेली वो कैबलरी ग्रामर रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ